यूं ही। लकड़ी पर नक्शो निगार बनाने का बहुत शौक था मुझे, मगर मैं कभी किसी को कह भी नहीं पाई। करामत शौक, तुम्हें जो औजार और जो लकड़ी चाहिए मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा। बनाओ जो दिल चाहता है। सच? बिल्कुल सच। तकलीफ कोई भी हो उसकी तस्कीन ही अलग है। जो लुत्फ एक शायर को शेर कहने में, एक तरखान को एक कुर्सी बनाने में, एक खतात को खताती करने में और एक चुलाहे को जोड़ा बनने में आता है। आप कितने अलग हैं निशाद, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मुझे इतना चाहेगा। इतने बरस मेरा इंतजार करेगा। अलग मैं नहीं, अलग तुम थी एक बार, तुम्हारी चाहत थी जिसने मेरा इंतजार, मेरी मोहब्बत को दुनिया से अलग कर दिया। वो मैं डिवोर्स के पेपर्स भेज देता हूँ। जल्दी है तुम। मुझे तो लगा तुम्हें जल्दी। बता दूंगी। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। फ्लैट कितने बजे? दो बजे की है, 11 बजे तक निकलूंगे। मैं छोड़ दूंगा। छोड़ तो रहे हैं। एनीवेज सब बहुत याद आएंगे, यहाँ के इश्यूज, यहाँ के लोग, दादा जान, अंकल बशारत, सुरैया, रजिया। तुम भी याद आओगे। बहुत जल्द सब भूल जाओगे। वैसे भी हम पाकिस्तानी अमेरिकन्स को याद रखते हैं। अमेरिकन हम पाकिस्तानी को कहाँ याद करेंगे? तो
कहना है तुम्हें? तुम्हें कुछ कहना है? बस बच के हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। मैं तुम्हारे सामान नीचे ले जाता हूँ। मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। तुम्हें बोझ उठाने की जरूरत। कब है जल्दी नीचे आए? अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। शायद भाई को हार्ट अटैक हुआ है। हम पहले तुम्हारे हॉस्पिटल गए थे, वहां से पता लगा कि आप बिशारत भाई को यहां ले आए। असल में डॉक्टर नईम जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, इसी हॉस्पिटल में होते हैं, इसी वजह से मैं अब्बा जान को यहां ले आया। वैसे तबीयत तो ठीक है ना बिशारत भाई की? भी ट्रीटमेंट चल रहा है, बस दुआ करें। हाँ हमेशा दुआ है उनके लिए। इशारत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम लेट हो गई हो। मैं तुम्हें गाड़ी मंगवा रहा हूँ, सॉरी मैं बिल्कुल कुछ मंग नहीं जा सकता। मुझे इतना इनसेंसिटिव समझते हैं, मगर इशारत की इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, मैं कैसे कहीं जा सकती हूँ सब कुछ छोड़ के। मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। सुरैया, दानियाल कहाँ है? इस्लामाबाद गया है कल इंटर्नशिप में। और फिर दो साल का और मुदस्सर भाई को कॉल कर दी थी तुमने? नहीं, होश ही नहीं था उसको, इतना परेशान थे सब। सुल्फी अंकल को भी किम ने कॉल करके बुलाया। दाऊद, क्या कहते हैं डॉक्टर्स, कैसे हैं तुम्हारे अब्बा? ठीक तो हो जाएंगे ना? नहीं, आप फिक्र ना करें, अब्बा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे रब ने चाहा तो शारद को कुछ नहीं होगा। एक जवान औलाद को अपने कंधे पे उठाकर छुपाया होगा। अब मजीद हिम्मत नहीं है मुझमें। अब अगर
बिशारत को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगा। खुदा के लिए अब्बा जी, ऐसी बातें तो ना करें। आप से करें कि सबको घर ले जाए, दादाजी बहुत थके होंगे। मैं यहाँ हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी, डेविड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप घर जाए, अपनी हालत देखिए। दादा जान को देखिए ना, कितना थक गया है। चाहे शाम चल फिर नहीं जाने। कहते हो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं यार, सब तो तुम चले जाओ। डेविड तुम ठीक हो ना? बी ब्रेव डेविड। अगर हम रिश्ता ले रहे हैं तो निवीत भाई को इकबाल का रिश्ता दे भी तो रहे हैं। बाबूजी बहुत सियानी है, रिश्ते जोड़ने में बड़ी माहिर है, है? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, तुम दोनों भाई तो हमारे कारोबार की तरफ आने से रहे, तो मैं और बाबूजी मिलके इंशाल्लाह खूब चमकाएंगे अपने बिजनेस को। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बाबूजी हैं। आपने हम लोगों के लिए जो भी फैसले किए, चाहे वो सही थे या गलत, हमने मनोमन कबूल किए बाबूजी। हमारे जैसे घरानों में बाप बेटियों को बहुत सी बातें नहीं बताते, एक मिला वजह का खौफ, अजीब सी झिझक होती है बाप बेटी के दरमियान, जो कि गलत है। अगर ऐसा ना होता तो तुम वो ना करती जो तुम करने का सोच रही थी। आज मैं वो बाप बनना चाहता हूं जिससे तुम डरो नहीं, बल्कि पूरे एतमाद और सुकून से अपने दिल की बात बनाओ। अब वो ही होगा जो तुम चाहोगी। अपने इम्तिहानात की तैयारी करो, उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में तुम चाहोगी मैं तुम्हें दाखिला दिलवाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात हो बच्ची। सब ठीक हो जाएंगे ना कनीज फातिमा? अम्मी इंशाल्लाह। आप जब से हॉस्पिटल से आई हैं, जानवाज पे बैठ के उनके लिए रो रो के दुआएं कर रही हैं। वो ठीक हो जाएंगे। तीस साल हो गए हमारी शादी को,
20 साल की थी जब ब्याह कर आई थी बशारत की जिंदगी में। इन 30 सालों में हम कभी 30 घंटे के लिए भी जुदा नहीं हुए, और आज जब इस कमरे में अकेली बैठी हूं यूं लग रहा है जैसे 8 घंटे की जुदाई 8 सदियां बन गई हूं। आप अंकल से इतनी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत का तो पता नहीं कितनी करती हूं, लेकिन मुझे उनके बगैर जीना नहीं आता कनीज फातिमा। मुझे नहीं लगता था कि आप और अंकल एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैंने अंकल को कभी आपसे मोहब्बत करते देखा ही नहीं। हमारी नस्ल के लोगों को मोहब्बत के इजहार के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती कनीज फातिमा। हम तो बस सब ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। दाऊद, डॉक्टर फिजा, तुम यहां कैसे? वो अब्बा जी एडमिट है यहाँ पे डॉक्टर नेम के पास। हार्ट प्रॉब्लम? उनका बाईपास हुआ है और वो आईसीयू में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खतरे से बाहर। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो MBBS करके लंदन नहीं चली गई थी? चली गई थी, अभी 2 माह पहले वापस आई हूँ। गायनी में स्पेशलाइजेशन की है, यहाँ पे जॉब करती हूँ। अचानक से किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो गई तो रात में आना पड़ा। आप तुम 2 साल से उसी हॉस्पिटल में? हाँ, मैं इधर ही हूँ डॉक्टर शुजा के साथ। शादी कर ली तुमने? 4 माह हो गए हैं। नाइस। और तुमने शादी की? अभी तक तो नहीं की, लेकिन जब करूंगी तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। आपको नाश्ते में कुछ बना दूं? तुम कब उठी और ये सब तुमने बनाया? आपको पता तो है कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। सोचा डेविड और अंकल बशारत के लिए घर से कुछ बना के ले जाऊं, पता नहीं हॉस्पिटल में अच्छा खाना मिले या नहीं। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे इतनी हमदर्द बहू मिलेगी। अम्मी, आप कैसे नहीं सोच सकती थी? आप ही तो दादा जान का इतना ख्याल रखती हैं, तो फिर आपको बुरी बहू क्यों मिलती? अच्छा सुने, मैंने कैब मंगवा ली है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। वापस आके आपको, सुरैया को और इकबाल को फिर ले जाऊंगी अपने साथ। ठीक है? ठीक। और परेशान नहीं हो, डेविड ने मुझे बताया कि अंकल बशारत की तबीयत पहले से बेहतर है। ठीक है,
चले मैं अब निकल रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। अब्बा जी आप परेशान मत हो, दाऊद का फोन आया है अस्पताल से, विशाल भाई की हालत अब खतरे से बाहर है। और आप तो हमारे इतने बहादुर दादा जान, बस जल्दी से ठीक हो जाएं और अब्बा जी को डांट के घर वापस ले आएं। गुड़िया तेरा दादा बूढ़ा हो गया, अब हिम्मत नहीं है किसी को डांटने की। खैर से बिशारत सेहतियाब होकर घर आ जाए तो अपनी सारी डांटों की एक बार माफी मांग लूंगा। पता नहीं बिशारत भाई को भी क्या परेशानी थी कि दिल का रोग ही लगा लिया उन्होंने। आप बहुत थक गए हैं, कॉफी पी लीजिए। तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ कैसा, हमने 5 साल कॉलेज में साथ गुजारे। वैसे मैं हैरान होती हूँ ये सोच के कि आप बाहर क्यों नहीं गए। आई मीन हमारे बैच के 80% डॉक्टर्स बाहर चले गए, आप तो वैसे भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। अब ये सवाल मुझसे हर कोई करता है, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी। तो क्या जवाब देते हैं आप? यही कि अगर सब बाहर चले गए तो यहाँ के लोगों का ख्याल कौन करेगा। True that। अब्बा जी वो प्लॉट की डील कैंसिल हो गई, उसके बयाने की रकम से 2-3 ऑर्डर पकड़ लिए थे। अब परेशानी ये है कि वो ऑर्डर कैसे मुकम्मल होंगे, बस इसी परेशानी में दिल हार बैठे। कम से कम मुझसे तो मशवरा कर लेता, तो खुद चला जाता कारखाने, वहां जाके सारे मामला संभाल लेता। अब्बा जी मोहलत ही नहीं मिली उन्हें। ठीक है मैं खुद चला जाऊंगा कारखाने, जाके देखता हूँ काम को, कारीगरों को। अब ऑर्डर पकड़ा है तो मुकम्मल तो करके देना होगा ना। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मार्केट में बिशारत का नाम खराब हो और हमारे जद्दी पुश्ती कारोबार की साख खराब हो। दादा जान आपकी तो खुद की तबीयत इतनी खराब है, आप प्लीज घर में ही रहें। ठीक है बेटा। अब्बा जी मैं जाऊंगी कारखाने। थैंक यू। गनीस फातिमा, ये डॉक्टर फिजा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फिजा हूँ, मैं डॉक्टर दाऊद को जानती हूँ। रियली आप मुझे कैसे जानती हैं? आपकी पिक्चर देखी थी डेविड के साथ। मेरी पिक्चर? हाँ वो हमारे फेवल की पिक्चर थी ना, वो ही देखी। ओह आई सी। अंकल बशारत की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह से बेहतर है, कल तक कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके मैं उनको देख कर आती हूँ। I guess I'll go too. तो आप अंकल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
जाके दिलशाद साहब को फोन करती हूँ, वो मुझे ले जाएंगे। लेकिन बेटा तुम कारखाने कैसे? पापा जी आपको याद है बचपन में मैं आपके साथ कारखाने जाया करती थी, आप कहते थे विशाल भाई से ज्यादा मुझे काम की समझ है, बस लड़की होने के नाते मार खा जाती हूँ। लड़की होना कोई मजबूरी तो नहीं ना पापा जी, आप एक बार मेरे ऊपर भरोसा नहीं यकीन करके देखें। लेकिन बेटा जुल्फी क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, और ये खानदान वाले? खानदान वालों की फिक्र करना छोड़ दें अम्मा जी, मुश्किल वक्त में खानदान वाले ने अपनी हिम्मत और हौसले हमारा साथ देते हैं। और फिर अगर मजहब हमें नहीं रोकता तो खानदान वाले अगर मना करें भी तो मना नहीं होना चाहिए। जीती रहो बेटा, जीती रहो। आप दिलशाद साहब की फिक्र मत करें, उन्हीं के हिम्मत और हौसले की वजह से मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वो अचानक मुलाकात होगी मेरी डॉक्टर फिजा से, यहाँ पे गायनी के हेड है वो। मैंने तो कोई सवाल नहीं पूछा। मेरे दिल में तो सवाल होंगे। मेरे दिल में भी कोई सवाल नहीं है, लेकिन तुम दोनों को साथ में देख के लगता है कि मुझे बहुत से सवालों के जवाब मिल गए। क्या तुम्हारे साथ डॉक्टर फिजा जैसी लड़की ही सूट करती है? तुम दोनों अच्छे लगते हो साथ में। इसकी शादी हो गई डॉक्टर फिजा की? हाँ, लेकिन हाँ जुल्फी, हाँ अंकल बशारत के। अरे दाऊद तुम यहाँ बैठे हुए हो, अच्छा हुआ तुम मुझे कॉल करते हो। बशारत साहब को होश आ गया, कुछ ही देर में हम उन्हें कमरे के अंदर शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू सर। अच्छा यार मैं तुम्हें कुछ उनकी मेडिसिन वगैरह के बारे में बताऊंगा तो तुम्हें। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, चार दिन बाद इत्तला मिली है। फिरदौस तो नाराज हो रही थी, आ ही नहीं रही थी, इसको लेकर आया हूं मैं। ऐसे थोड़ी होता है, तो खुशी में पूछे ना पूछे वो अलग बात है, मगर गम में तो याद रखना चाहिए भाई। आपकी इन्हीं बातों के डर से आपको नहीं बताया था। प्लीज फातिमा, मालूम है अब तुम बोलोगे खामोश रहो। अब कैसी तबीयत है बशारत भाई? बेहतर है। चाचा जी इकबाल और उसका शौहर नजर नहीं आ रहे, उन्हें भी यहां होना चाहिए था, ऐसे थोड़ी होता है। इकबाल और दादाजी कारखाने गए हैं और जुल्फी उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब अब्बा जी बीमार हैं तो किसी ने तो कारोबार संभालना है ना। कारखाने गए हैं? हम तो चाचा जी और इकबाल का कारखाने में क्या काम है? बुजुर्गों और औरतों का क्या काम वहां पर? लकड़ियां कटवानी होती हैं, कारीगरों से काम करवाना होता, अब ये काम करेगी क्या इकबाल है भाई? अरे अब क्या फिरदौस हमारी स्कूटर साफ करती है क्या? वो काम हम खुद ही करते हैं जी। इकबाल अब ये काम करेगी। अगर एक औरत लोहे से बने जहाज उड़ा सकती है ना,
तो लकड़ी से बना फर्नीचर भी बना सकती है। अगर पाकिस्तान के मर्द उन्हें मौका दें और उन पर भरोसा करें। अंकल बशारत को डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है। अबे फिरदौस, कल से तुम हमारी स्कूटर साफ करोगी, ठीक है? ओह, बेटा कनीस फातिमा, थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरी बीमारी की वजह से अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा दी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अंकल ऐसा तो मत कहें, मेरे डैड की तरह, अगर मेरे डैड को कुछ होता तो क्या उन्हें छोड़ के चली जाती? आप बस जल्दी से ठीक हो जाए और घर चले, जाना तो मुझे है ना बेटा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना जाओ या हमारे साथ रहो? अंकल पहले रुकना चाहती थी लेकिन अब जाना है मुझे। क्यों, क्या हुआ? दाऊद ने कुछ कहा या हम में से किसी से कोई गलती हुई? नहीं नहीं अंकल, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मैं यार नहीं रुक सकती। मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुम अमेरिका में पली बड़ी हो, यहाँ का माहौल मौसम बहुत मुख्तलिफ है, जाहिर है। अच्छा मैं दाऊद से कहूंगा कि अपना वीजा लगवाए, वो तुम्हारे साथ जाए। अंकल मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती, मैं जानती हूँ कि उसकी अपने मुल्क से कमिटमेंट है और मैं उसकी इस कमिटमेंट के रिस्पेक्ट करती हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाए और घर चले, सब परेशान। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत अच्छी हो। मेरी उम्मीद है कि, खैर ख्वाहिश थी कि तुम यहां हमारे साथ रहती, जीती रहो, जहां भी रहो खुश रहो। बस ज्यादा बातें नहीं करनी। पहले रुकना चाहती थी लेकिन अब जाना है मुझे। मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती, मैं जानती हूँ कि उसकी अपने मुल्क से कमिटमेंट है और मैं उसकी इस कमिटमेंट के रिस्पेक्ट करती हूँ।